तो गाइस पैकिंग हो चुकी है, थोड़ा सा उदास लग रहा है। बारिश कभी भी आ सकती है। गाइस देख रहे हो इसको? हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और वेदर एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइज़ अभी 7 बज चुके हैं और मैं, एडोरा और शालू तीनों ही उठ चुके हैं। मम्मी ऑफिस जा चुकी है तो हमने भी यही सोचा कि ये राइट टाइम है, अब निकल सकते हैं। बिकॉज़ अगर बारिश स्टार्ट हो गई या अगर हम थोड़ा लेट जाते हैं तो ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा होगा और 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। तो अभी जो ऑलमोस्ट पैकिंग तो हो गई थी, जो थोड़ा बहुत रह गया है वो कर रहे हैं, जो एडोरा का खाना है वो रख रहे हैं। तो फटाफट पैक करते हैं, ओला बुक करते हैं, फिर निकलते हैं। चलिए। तो गाइस पैकिंग हो चुकी है। ये एडोरा का बैग है जिसमें उसका खाना और जो उसकी एसेसरीज़ हैं, ये हमारा हो गया। तो कैब मैं कर रहा हूँ बट कैब बुक हो नहीं रही, तो जैसे ही होता है फिर निकलते हैं। एडोरा आपको चलना नहीं है? रेडी हो जाओ, आ जाओ। आपकी जो बकेट है वो रेडी कर दी है मैंने, आ जाओ। आपकी बकेट रेडी कर दी मैंने। कहाँ जा रहे हो? गाइज़ इसको पता चल चुका है कि हम कहीं जा रहे हैं, बिकॉज जब हम रेडी होते हैं कुछ पैक करते हैं तो इसको इंट्यूशन हो जाती है कि हाँ ये अब मुझे लेके जा रहे हैं या छोड़ के जा रहे हैं। तो गाइज़ कैब आ चुकी है और लगेज पिक हो चुका है, फटाफट चलते हैं ताकि बारिश ना हो जाए और ट्रैफिक जाम ना हो जाए। अरे शालू आगे कैरी किया हुआ है एडोरा को। सो गाइज़ हम वापस आ चुके हैं। टाइम तो लगा बिकॉज जिस टाइम पे हम निकले थे थोड़ी थोड़ी बारिश स्टार्ट हो गई थी और रास्ते में थोड़ा सा ट्रैफिक जाम था, तो आ चुके थे। थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था, वो शालू ने सारा समेट दिया, साफ़ कर दिया बिल्कुल, क्योंकि अगर आप घर नहीं होते तो घर भी ऐसे ही रहता है थोड़ा सा इधर उधर। और दिव्या ऑफिस है और शालू को ठंड लग रही है क्योंकि दिल्ली का टेम्परेचर पूरे NCR में सबसे अलग होता है, ये आपको भी पता है। तो शालू तो अपना सूप बना के पी रही है और एडोरा का भी बिहेवियर थोड़ा सा चेंज लग रहा है। लग रहा है आज थोड़ा उदास है। आज थोड़ा सा उदास लग रहा है, बट ठीक है, यूज टू हो जाएगी, शाम तक हो जाएगी। अब दिव्या आ जाएगी, आंटी आएंगी ना, मिलेंगी, सबसे मिलेगी तो हो जाएगी बिल्कुल। वैसे तो आपको पता ही है बाहर का सारा नज़ारा, बट काफी दिनों बाद देख रहे हो आप एमरलीज और सामने काम चल रहा है और मौसम अभी भी बना हुआ है यार, बारिश कभी भी आ सकती है। और एक्चुअल में ठंड हो गई है यार, दिल्ली की ठंड वैसे ही बहुत जल्दी आती है और बहुत ज़्यादा होती है। मेरा काम स्टार्ट हो गया है, आते ही मैंने ब्रेकफास्ट किया है, शालू ने मेरे लिए ऑमलेट बनाया था, उसके बाद मेरी एडिटिंग काम स्टार्ट हो चुका है। बट एक चीज़ दोबारा से, मैं हमेशा जब भी कहीं से पैकिंग करके निकलते हैं कुछ ना कुछ चीज़ तो भूल ही जाता हूँ। आज भी मैं अपना आईफोन का चार्जर भूल गया हूँ वहाँ पे और ये फ़ोन डेड होने वाला है। ओह नो, यही मेरा। मैं बहुत खुश हूँ। देखा आपने लापरवाही का नतीजा? लापरवाही नहीं, मैं एक्चुअली ना कैब को बुक कर रहा था ना बार बार, उसके बाद नहीं अच्छा हुआ आपके साथ। कैब बुक कर रहा था वो कैंसिल हो रही थी, कैंसिल हो रही थी, उसी चीज में मैंने टेबल पे रखा हुआ था, उसके बाद वहाँ उठाना ही भूल गया मैं। केयरलेस हो ना। अब देखते हैं कुछ ना कुछ करते हैं, या तो पोर्टर से कहीं से मंगवाते हैं या कोई आ रहा है या मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज यही हमारा कैमरा है और यही हमारा मेन टूल है। अब यही ऑफ हो जाएगा तो ना शूट हो पाएगा, एडिटिंग तो बहुत बाद की बात है, जब शूट ही नहीं हो पाएगा तो एडिटिंग कैसे हो पाएगी। हाँ एडोरा, अब आधा काम तू करेगा मेरा। हाँ एडू, अब तू करेगा थोड़ा सा तू भी कर दे यार, मेरी उंगलियाँ थक गई हैं टाइप करके, तू टाइप कर दे थोड़ा सा, कर दे, ओए कर दे, देख देख देख, थोड़ा लेजी हुआ हुआ है यार, है मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, कहाँ होगा। तो गाइस काफ़ी दिनों बाद मैं टेरिस पे आया हूँ, एक डिफरेंट सी फीलिंग है। मुझे याद है लास्ट 15 अगस्त पे हमने इंजॉय किया था शाम को, तो उसके बाद मेरा प्रॉपरली टेरिस पे आना आज हुआ है और बारिश देखो दोबारा से स्टार्ट हो गई है। एक फ्रेशनेस सी फीलिंग है यार, मतलब काफ़ी टाइम बाद आया तो मज़ा आता है यार, अपनी जगह है जहाँ बॉटम बॉटम हुए थे। तो अभी नीचे चलते हैं यार, कहीं बारिश ज़्यादा तेज़ ना स्टार्ट हो जाए, इससे अच्छा है नीचे चलते हैं। तो गाइस टेरिस से आने के बाद मैं तो सो गया था, इनफैक्ट हम तीनों ही सो गए थे, एडोरा भी सो गई थी, शालू भी सो गई थी, मैं भी सो गया था, बिकॉज यहाँ आने के बाद अलग सी ठंड लग रही है यार, चेंज ऑफ प्लेस हुआ है तो मुझे भी थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, हम तीनों को ही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद ये मैगी बनाई है शरू ने, चाय बनाई है, मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनो मांगा कि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तो फिर उसमें टेस्ट लगा नहीं यार मुझे, तो मैंने कहा मैं ब्रेड और अपना देसी ब्रेड और बटर खाऊंगा। है शालू ये देखो नीचे, तेरे को दिया तो है अभी, तेरे को दिया नहीं है? हाँ 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 हाँ, उबासी मत ले ये यार, इतनी बारिश हो रही है, करवा चौथ आने वाला है, 14 को है,
बाबा मुझे नहीं पता ये चीजें अब यार बट मैं कुछ शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग करनी थी तो बारिश तो रुके, बारिश तीन से चार कुछ भी नहीं लिया इस बार। अरे बारिश की वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा यार, यहीं बैठे हैं, घर ही शूट करी जा रहे हैं। हमारे सब्सक्राइबर तो चलो समझ रहे होंगे कि बारिश है तो कहाँ जाएंगे, बट बाहर जाना है यार। आई हैव टू गो आउटडोर, आई हैव टू कैप्चर न्यू प्लेसेस यार। अभी ना जैसी बारिश रुकती है कल अगर तो हम शॉपिंग पे चलेंगे। गाइस इसका रिएक्शन देखो, अभी दिव्या आई है आई गेस। ये देखो ये देखो इसका रिएक्शन देखो। मैं इसी रिएक्शन की बात कर रहा था। एक्चुअली मेरा फोन तो ऑफ हो चुका है क्योंकि मैं चार्जर भूल गया हूँ भुलक्कड़। हिस्टोरिक मोमेंट यार, निकल रहेगी बुल्ली। अच्छा, ब्रेथ ले, टेक ब्रेथ ना मेरे बच्चा। ये देखो तैयार हो गई है। कौन आया है गाइस, देख रहे हो इसको? इसको फील हो गया। ये देखो इसका मूवमेंट देखो। कौन आया लड़े है? कौन तू दरवाजे पे क्या देख रही है? अरे वाह, नमस्ते आंटी, नमस्ते। हेलो, आ गई। बहुत मिस कर रही थी आपको। ये हेलो करो, देख लो भूली नहीं है। ये प्राइसलेस मोमेंट है यार। अच्छा, बाबू बैठ जाओ, चलो। अच्छा बैठ तो जाओ, अब बैठ जाओ, मिली है ना। ये आंटी बना रही है स्पाइसी आलू जो मेरे मोस्ट फेवरेट हैं मेरे आने की खुशी में। और यहाँ बन रही है दाल, है आंटी जी? पीली दाल। चलो बढ़िया है, बढ़िया। तो काफी डिस्कशंस हो रहे हैं यार। दिव्या कह रही थी गाड़ी के मैटर में, तो गाड़ी का पता नहीं क्या बोल रही थी। आप क्या कह रहे थे गाड़ी का? मैं आपको ये बोल रही थी कि आज मैंने टाटा का आउटलेट विजिट किया था। अच्छा। तो मैंने तीन ऑप्शंस देखे। हम लोग टाटा ही कब से प्लान कर रहे हैं ना कि टाटा का ही देखेंगे, तो मैंने पंच भी देखा। अच्छा। मेरे पंच ही था बेसिकली, तो मेरे माइंड में पंच ही था। लेकिन सबका ना, सबका जब टाटा की बात करो ना तो पंच पे क्यों आ रहे हैं? ऐसी क्या स्पेशलिटी है पंच की यार? है चलो, आपको पता है कुछ? मुझे कोई नॉलेज नहीं है कार का, तो मैं इस पे चुप्पी हूँ। कार का तो मुझे भी नॉलेज है, बट मैं बस देख के खुश हो जाती हूँ। जब चीज लेनी है तो नॉलेज आपको लेनी है। बट एक नॉमिनल बजट में पंच इज द बेस्ट ऑप्शन मुझे लगता है। कॉम्पैक्ट, हमारी YouTube फैमिली भी हेल्प करेगी। बिल्कुल यार, YouTube फैमिली आपको तो हेल्प करना पड़ेगा। आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम पैंथर से गैंथर में पहुंचे। थोड़ा सा ये देखो शालू जी, आप भी ना एक नंबर के साथ खाएंगे। नहीं आज मैं साथ नहीं दे रही। आज साथ नहीं दे रही। ये भी देखो, दिव्या को भी देख लो, भूख लग रही है। तो आंटी तो बनाती अच्छा है। तू भी खा ले कुछ। नहीं खाना अपना खाना, शरीफ बन गई आप क्या? ये कितनी तेज है, कितनी शरीफ हो रही है ना। थोड़ी थोड़ी बाइट खा चुकी है शालू, दे चुकी है, उसके बाद शरीफ ना बनो। आप एक्टिंग मत करो। चलो मैं भी खाता हूँ यार। डिनर हो चुका है और काफी दिनों बाद आंटी के हाथ का खाना खाया तो अच्छा लगा, क्योंकि आंटी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। एंड आज का डे भी ऐसे निकला क्योंकि बाहर का मौसम ख़राब था, बारिश आ रही है, रुक रही है, कोई काम भी हो नहीं पा रहा। इनफैक्ट दो या तीन दिन से कोई भी काम हो नहीं पा रहा। कहीं जाने का प्लान बनाते हैं तो वेदर देखते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है। तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, आपको लग भी रहा होगा, और मैं बहुत थका हूँ। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। शालू जाके सो चुकी है, एडोरा सो चुकी है, दिव्या को भी ऑफिस जाना है सुबह, तो वो भी ऑब्वियसली सो चुकी है। तो जिसने भी हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाके देखिए। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और जो भी हमारे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना आगे मूव मत करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अभी गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, शबा खैर। अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और अच्छा करिए। डू लव एंड स्प्रेड लव। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।